गाइस ये वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का नॉट गेट फ्लिट के एकदम ब्रांडी वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से कार फॉर सेल वर्ल्ड के अंदर। आज हम लोगों को कैसे भी अपना जो पूरा का पूरा शोरूम है उसको चेंज कर देना है, एकदम नेक्स्ट लेवल बना देना है। सो गेट रेडी फॉर दैट। बाकी हम लोगों की GTR भी है, यू नो हम लोगों को उसको भी आज तगड़ा सा कलर देना है, जो कि मैंने कॉमेंट्स पढ़े तुम लोगों का, बहुत ज्यादा मजा आया मेरे को देख के। सो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100K लाइक का गोल है तो प्लीज जाके जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो। जो भी नए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, 3 मिलियन की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। और चला चलते हैं कार फॉर सेल वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस हो चुकी है एकदम ब्रांड न्यू मॉर्निंग, दरवाजा कर देते हैं बंद। क्या नॉर्मल दिन है यार। ओह ये ओह गाइस वो देखो, वो किसकी GTR खड़ी होगी यार हमारे पार्किंग लॉट में। अरे मैं इसको धोखे से पा रहा हूं। अरे कहीं ये हमारी GTR तो नहीं दोस्तों, कहीं ये हमारी गाड़ी तो नहीं है। अरे जी यार उल्टी साइड से हमेशा भाई, यार कसम से भाई, ये जिसकी भी गाड़ी हम लोगों ने ऑक्शन से उठाई है ना, पहले तो इसमें ड्रिफ्ट फिट लगाओ भाई, ठीक है। ये गाड़ी तुम्हें पता है इस गेम के अंदर ड्रिफ्टिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, खास करके ड्रिफ्ट फिट लगा के भाई ऐसा लगता है गाड़ी को मक्खन डाल दिया। ये देखो देख रहे हो मुड़ रही, ये क्या है यार, ये तुम देख रहे हो एक बार, देखा तुमने भाई 100 की स्पीड भी नहीं है, मैंने ब्रेक तक नहीं लगाया, मैंने खाली गाड़ी मोड़ी है, मतलब ना मैंने वो दबाया स्पेस दबाया ना कुछ करा, मैंने खाली गाड़ी मोड़ी है। और ये गाड़ी ये देखो, शूट हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलो गाइस हम लोगों को सबसे पहले अपनी देखो, मैं इसमें कलर वलर का मेरे को कोई इशू नहीं है, अभी कलर हम लोग आराम से करेंगे, बट ये गाड़ी जानी चाहिए। रात के 8 बजे तक का होगी यहाँ से, फिर हम लोगों को एक निसान GTR मिल गई। अगर हम लोग बैक फॉर कार बैट इस कार करेंगे तो हम लोगों को वो निसान GTR पे मिल जाएगी। तो हम लोगों को लिटरली पिछले यार ये देखो एक बार ये ड्रिफ्ट फिट देख लो, मैं गाड़ी मोड़ तक नहीं रहा हूँ तब भी ड्रिफ्ट लग रही है भाई मेरे को, इसको नॉर्मल करना पड़ेगा, नॉर्मल क्या रेस किट लगानी पड़ेगी इसमें। जल्दी कर पाओ जल्दी कर, मैकेनिक भाई प्लीज ये देखो रेसिंग किट लगाओ इसमें, टर्बो लगाओ इसमें, टर्बो नीचे बताओ, और सस्पेंशन जितना नीचे सकता है नीचे ऑलरेडी है, व्हील बहुत ही गंदा है व्हील, तो व्हील को भी चेंज कर लेंगे हम लोग। कम ऑन कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ अच्छा दिखाओ भैया, ये लग रहा है तगड़ा। और प्लेट यार यू नो वी रोल इट लाइक वाम, चलो बढ़िया ठीक है। थोड़ा सा लाइट्स के साथ भी खेलूंगा मैं इस बारी, तो इस बारी हम लोग इसको पता कैसे देंगे, हम लोग इसको डीमन टाइप बनाएंगे भाई, रेड लाइट्स ये देख रहा हूँ, कूल लगेगा ठीक है। तो अपनी गाड़ी जो है वो फुल्ली मॉडिफाई हो चुकी है एकदम क्रेजी नेक्स्ट लेवल, और वहाँ पर एक और GTR आई है। अगर गाइस हम लोग वो जीत जाते हैं ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा क्रेजी होगा। सोचो हम लोगों ने इतनी मेहनत करके भाई, ये देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, 355 डेज के अंदर हम लोगों ने भाई वो गाड़ी को लिया था, तुम समझो 355 डेज लग गए हम लोगों को एक GTR लाने में, और यहाँ पर हम लोगों को वो GTR लिटरली एकदम फ्री में तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत बड़ा गैम्बल है। अगर मेरी GTR चलेगी ना गाइस तो यू नो मैं आज दिन भर रोने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो जो कलर मैंने देखा था सबसे ज़्यादा लोग बोले थे वो था भाई गोल्डन कलर करवाओ अपनी गाड़ी को, गोल्डन कलर करवाओ, तो या तो भी गोल्डन कहते या तो भी बोले थे कि एकदम मैट ब्लैक करवाओ, कि काली और मैट ऊपर से। तो एक बार काली मैट करके देख लेते हैं, स्मूथनेस भी हटा देता हूँ ठीक है। तो ये रही काली मैट ब्लैक एकदम, एक्चुअली थोड़ी सी नॉट गोना लाई बट अच्छी सी भी लग रही है सही बताऊँ तो मैट ब्लैक में, ओके नॉट बैड सही बताऊं तो, थोड़ी सी स्मूथनेस बढ़ाएं अगर, ओके इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, बट यार तुम्हें पता ना यार सुपर कार्स में यार मैट ब्लैक ये सब अच्छा नहीं लगता यार, सुपर कार में क्या अच्छा लगता है बताएं, थोड़ा सा चटकारा कलर होगा, मैं मजाक नहीं करूंगा यार, मेरे को इवन तो मेरे को तुम्हें पता है मेरी दोनों गाड़ियां एकदम ब्लैक हैं, बट यार जेन्युइनली स्पीकिंग तो भाई यार सुपर कार्स ना थोड़ी सी ऐसा थोड़ा सा अतरंगी होती तो अच्छी सी लगती है, ठीक है। तो हम लोग इसको गोल्डन कलर देंगे, सब लोग बोले थे भाई गोल्डन GTR इज द बेस्ट, और ये देखो भाई प्रॉपर भाई गोल्डन कलर पे तो तुम्हारे हाई का हाथ सेट है यार। लेट्स गो बॉयज, नो टाइम टू वेस्ट, थोड़ा सा भी नहीं ठीक है, सीधे निकालो, ओए रुक जाओ, अपनी GTR थोड़ी सी डैमेज है, और ये रेस मैं डैमेज GTR के साथ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम अपनी GTR को लूज करें भाई, अपनी GTR बहुत ज़्यादा तगड़ी है, एंड आई जस्ट होप भगवान प्लीज़ हम लोग हारे ना प्लीज़ यार, मेरे को ये GTR बहुत मेहनत से मिली है गाइस, बहुत मेहनत से, एंड अगर ये GTR चलेगी ना मैं सच्ची में रोऊंगा आज, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरे आंखों से आंसू आ जाएंगे अगर ये GTR मेरे हाथ से निकलती है तो। भाई वहाँ पर एक GTR खड़ी है एंड आई जस्ट
आई जस्ट वॉन्ट दैट GTR ब्रो। मेरे को नहीं पता कैसे होगा क्या होगा, हम लोग रेस जीत पाएंगे जीत पाएंगे। मैं चोरी कर लूंगा भाई, मुक्का मार के मुंह में ना उसके GTR छीन लूंगा और उसके बाद उसके अकाउंट में $1 million डलवा दूंगा भाई जाए। ठीक है, मैं उसके अकाउंट में लिटरली एक भाई यार, मैं ऐसे बात करने के लिए 2 सेकंड के लिए देखा यार, मुझे सारी चीजें याद है, मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना अभी, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि मैं कुछ भी हो जाऊँ बस हारना नहीं चाहिए वो रेस, हारनी नहीं चाहिए वो रेस, मेरे दिमाग में सिर्फ ये चला। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं देख भी नहीं रहा था वहाँ पे रास्ते, तुम समझ रहे हो टनल विजन नहीं आता दिमाग में, तुम्हारा कुछ और ही चल रहा था, तुम कुछ और ही सोच रहे हो, तो वही वाली चीज़ हो रही है भाई। प्लीज़ जल्दी से मेरी गाड़ी नीचे उतारो भाई, प्लीज़ भाई जल्दी करो जल्दी करो। नाइस, चलो भाई। भाई ये क्या लग रही है गोल्डन कलर में। मैं वैसे एक चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, क्या पता हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा तगड़ी हो, सोचो ये ऑक्शन 3 बजे का है, इस ऑक्शन में भी GTR हो, जस्ट थिंक अबाउट इट भाई, मतलब बहुत ही रेयर है, बट मैं जस्ट एक तुक्का लगा रहा हूँ क्योंकि यार वैसे वहाँ पर खड़ी हुई GTR नहीं है ना, ऑडी GTR सबसे बढ़िया गाड़ी। चलो भाई, भाई GTR एक ऑल व्हील ड्राइव है, तो कोई भी टायर हवा में आ गया तो ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी समा, भाई क्या भागती है यार GTR, व्हाट भाई, लिटरली यार सबसे ज़्यादा क्रेजी गाड़ी है इस गेम के अंदर GTR। लेट्स गो बॉयज, हम लोगों को बस सॉरी अंकल, हम लोगों को बस बैटिस कार करना है। ठीक है, कहाँ गया हो भाई, इस भाई से हम लोगों को बैटिस कार करना है। देखो 7,000 के बैटिस कार, प्लीज मैं बेवकूफ़ी ना करूँ, मैं अपना शिफ्ट बटन ना दबाऊँ ऑल्ट की जगह, मैं बहुत बार गलती करता हूँ, मैं ऑल्ट की जगह शिफ्ट बटन दबाता हूँ जहाँ पर ऑल्ट से रेस आती है मतलब नॉस चलता है, बट मैं गलती से शिफ्ट दबाता हूँ। प्लीज़ भगवान प्लीज़ थोड़ी सी मत्ती देना, मैं ना करूँ ऐसा, प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़ भाई, गाइस प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाओ, आई नीड योर लक यार, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा भाई, आई रियली नीड योर लक, मैं मेरे को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ में भाई। लेट्स गो, होगा लेकिन डर के रहना दोस्तों, डर के रहना भाई, आ रखा यहां डर के रहना भाई, हगा मैंने, मैं मना नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने हक दिया था, मैंने कर दिया था वही कांड जो मैंने बोला कि भगवान प्लीज मैं ना करूं ना करूं, अच्छे से नहीं करा बट किस्मत अच्छी हुई, मैंने नॉस भी दबा रखा था तो वो गियर परफेक्ट टाइम पे आ गया, इवन तो वो बैड शिफ्ट था बट अगले बंदे ने और हगा, लेकिन फिर हम लोगों ने संभाल लिया एंड ब्रो वी हैव ब्रो वी हैव अनदर GTR नाउ, और यहाँ पे एक मस्टैंग आई हुई है भाई, सुन तू एक काम करना, ये मस्टैंग को ना खा जा भाई, GTR आ गई एक और, अरे डैमेज का क्या है भाई, 2 सेकंड में सही करा दूंगा भाई, ये GTR है, ये हमारी जिंदगी में बाहर लेके आएगी GTR, मैं तुम्हें बताया चढ़ जाए, दिख नहीं रहा क्या गोल्डन GTR आ रही है फ्लीट भाई की, अबे वामु नंबर प्लेट नहीं दिख रही क्या दूर से हैं, और पीछे हो जा सोड़िए साड़ी GTR आई, पीछे हो जा सोनिए साड़ी GTR आई, तेल भरा देता हूँ गाइस, तेल भी तो एकदम ऐसे पीती है जैसे पानी गिरा रहा हो कोई क्या करूँ यार, अच्छी गाड़ी होना ना बहुत दिक्कत वाली बात है यार, क्या करूँ यार। एक बार गाइस मैं इसको वहाँ ले जा रहा हूँ, बाय द वे मैंने इसको अपडेट के बाद नहीं देखा है और ना ही हम लोगों ने इसको अभी देखा था, हम लोगों ने इसको अपना फेवरेट कलर दे दिया है, इसको हम लोगों ने एकदम मैक्स आउट कर दिया है, बट मैंने इसको अपडेट के बाद चेक नहीं करा कि GTR की स्पीड क्या है वो सारी चीज़ें, और मैं तो ऑलरेडी भाई मैं ऑलरेडी क्रेजी हो चुका हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऑलरेडी अपने बाल वाल खींच रहा हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलरेडी भाई, हम लोगों के पास 2 GTR आ गए, कहाँ हम लोग एक के सपने देख रहे थे, कहाँ मैं बोल रहा था गाइस मेरे को बताऊँ हाँ कलर बताऊँ हाँ, अब तुम लोगों के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉमेंट ये थे कि गोल्डन GTR या फिर मैट। मेरे दोस्तों तुम्हारा भाई यहाँ है ना, कहाँ है भाई, यहाँ है ना, बस गोल्डन भी होगी और GTR वो भी होगी, ठीक है, गोल्डन भी होगी और मैट ब्लैक भी होगी, दोनों होगी। लेट्स गो गाइस, देखते हैं टॉप स्पीड ऑफ GTR, लास्ट टाइम तक 350 पे क्लॉक हो जाती थी GTR, उससे ऊपर नहीं जा पाती थी, इस बार देखते हैं क्या होता है, 1, 2, 3 गो, लेट्स गो, बहुत बढ़िया, 0 to 100 2.5 seconds ब्रो, क्या है ये 0 to 100, ओके 300 तो जा चुकी है भाई, बहुत हिल रही है गाड़ी लेकिन ना कंट्रोल के बाहर जा रही है क्योंकि स्पीड ही ऐसी आई है, कंट्रोल कर दो, ओके 245 हाँ ओके
350 के ऊपर अभी भी नहीं जाती है GTR, जस्ट सेइंग। 350 के ऊपर अभी भी नहीं गई, तुमने भी देखा अटक जा रही है। यानी गाड़ी कंट्रोल की नहीं हो रही है, लेकिन बिल्कुल भी थोड़े से ब्रेक मारो तो आड़ी टेढ़ी चली जा रही है। एक और बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी, एक और बार यहाँ से वापस जाना ही है तो इससे बढ़िया एक और स्ट्रेच मार लेंगे ना, चेक कर लेंगे भाई। लेकिन ये 100-150 तो क्या ऐसा मक्खन होके जा रही है ना, मजा ही आ जा रहा है देख के भाई। मतलब बात तो है यार GTR की, ठीक है, मेरे हिसाब से तो इस गेम की अभी तक की सबसे फास्टेस्ट कार GTR है। बट अभी तक का मैंने वाइपर नहीं देखी है, तो यू नेवर नो, क्या पता डॉज वाइपर भी काफ़ी तेज हो, क्योंकि ऑलरेडी रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा तेज है डॉज वाइपर, बट गेम के अंदर अभी तक का देखी नहीं है। सो लेट्स गो गाइस, फिर से ट्राई करते हैं। 0 to 100 2.5 seconds, स्पीड रिकॉर्ड 350, लेट्स गो। 0 to 100 2.4 seconds, भाई तुम्हारा भाई जब गियर लगाता है ना तो बेटे दुनिया देखती है, जब तुम्हारा भाई गियर लगाता है। लेट्स गो भाई, हम लोगों ने थोड़ा सा गियर अच्छे से मारे, अभी हक दिया थोड़ा, बट हम लोगों ने गियर थोड़े अच्छे से मारे तो 0 to 100 तेज गई, देख लो 0.1 सेकंड ही सही, लेकिन हमने बचाया अपना टाइम थोड़ा सा भाई साहब। 350 तो हलवा होता है यार इसके लिए, 350 के ऊपर ही दिखाता नहीं है, 351 दिखा रहा है स्पीड वैसे, बट वही है मतलब। हाँ अरे तेल कैसे पी गई, देख रहा हाफ टैंक हो गया दोबारा से, और कंट्रोल तो नहीं हो रही है भाई। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं बैक टू टाउन। GTR जैसी पहले थी वैसी है, अभी भी क्रेजी नेक्स्ट लेवल गाड़ी है भाई, मजाक से हट के। GTR जैसी थी ना एकदम खतरनाक क्रेजी गाड़ी, वैसे की वैसी है भाई GTR। आए हाय थोड़ी गंदी हो गई है, बस इसको अभी साफ कर दूंगा, इसमें क्या है साफ करने में भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अरे यार एक तो आवाज़ चली जाती है इससे भाई, इसमें पहले तेल भरा थे भाई, देख रहे हो जस्ट तेल भरा के ले गए थे, बट ये गाड़ी तेल ऐसे पीती है जैसे पानी चल रहा हो, मतलब जैसे इंसान पानी पीता है ना भाई, ऐसे करके राम राम भाई सारिया ने 4 लीटर पानी पीना है वाला हिसाब चल रहा है भाई इसका। लिटरली इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि भयंकर 100 लीटर आज हमने तेल पीना है ऐसी लग रहा है निशान का भाई, लिटरली उसी हिसाब से निशान तेल पी रही है। चलो इसको हम लोग फटाफट से अपने कलेक्शन में वापस लगाए थे भाई इस गाड़ी ने हम लोगों को, गाइस एक और निशान दिला दे, द रेयरेस्ट कार इन द गेम, हम लोगों को दो मिल गई है, दो, तुम समझ रहे हो भाई। यार ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी कार है भाई, इसको लगाते हैं, इसको एक और तो बनती है भाई। चलो उसको अपना बंदा साफ कर देगा आई गेस, वैसे तो मैं ही खुद साफ करूंगा भाई अपने निशान GTR को, सीधी सी बात है अपनी गाड़ी है भाई, अपनी गाड़ी अपने हाथों, ठीक है। लेकिन हम इस भाई से बोलते हैं सबसे पहले इसको रिपेयर कर, इसका बैक फेंडर देखो, बैक बम्पर कितना ज़्यादा ठोका पड़ा है इसको, हम लोग जब तक ये कर रहा है रिपेयर उतने में इसको हवा में ही धो दूंगा भाई मैं। इसको बोलते हैं टाइम बचाना गाइज, इसको कहते हैं अपना टाइम बचाना, बिल्कुल सही, इसको मैं जल्दीबाजी नहीं बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं अपना समय बचाना। देख रहा हूं ये देखो, अब गाड़ी जब तक नीचे आएगी तब तक हम लोग पूरी गाड़ी को धो चुके होंगे, बस कोई तो अच्छा छत वाला पॉइंट है, बस साफ हो गई ना एकदम ही। चलो अब इसको हम लोग, जैसे मैंने तुम लोगों से बोला था भाई, सीधी सी बात है, तुम लोगों को चाहिए था दो कलर्स, राइट, तुम लोगों को पसंद आया एक, क्या तुम लोगों को पसंद आया एक तो अपना क्या कहते उसे गोल्डन और मैट ब्लैक, ये दो बहुत ज़्यादा बोले थे लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक होता थोड़ा और एक होता बहुत ज़्यादा, तो तुम लोगों ने लिटरली सबसे ज़्यादा कमेंट यही देखे मैंने, ठीक है। सियान भी बोल रहे थे लोग, बट यार सियान पहले ऑलरेडी लाइक अपनी गाड़ी है ना, तो इसको मैट करना है हमने, तो इसकी हम स्मूथनेस थोड़ी सी कम करेंगे, जहाँ पे फ्लैश नहीं आएगा, बट ऐसा भी नहीं कि गाड़ी लगेगी नहीं कि गाड़ी है, तो इसको हम पूरा काला कर देंगे। ओ भाई साहब, ओके लग तो रही है भाई, एक और बार देखे थोड़ा पॉलिश बढ़ा के कम करके, देखो पॉलिश बढ़ा के तो फिर ये नॉर्मल वैसी गाड़ी हो जाएगी, थोड़ा मेटालिक बढ़ा के, मेटालिक को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं मैं तो बोलता हूँ, यहाँ पर रखते कहीं पे स्मूथनेस यहीं पे सही है। लेट्स सी, एक बार गाड़ी को ना बाहर निकाल के देखते हैं इससे, शोरूम से बाहर लग रही है भाई, मना तो नहीं करूंगा मैं, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैट ब्लैक में भी बहुत क्रेजी लग रही है ये कार, इवन दो मैं तो भाई झूठ नहीं बोलूंगा। देखो मेरे लिए क्या है ना, मेरे को लगता है सुपर कार्स को यार ब्लैक कलर या वाइट कलर ना उतना फील नहीं दे पाता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लाइक इवन दो तुम्हें पता है, मुझे ही पता है कि मेरी सारी गाड़ियां, मेरे पास दो हैं, सारी छोड़ो मेरे पास दो ही गाड़ियां हैं, बट दोनों की दोनों भाई, मेरी थार हो या फिर हैरियर हो, दोनों की दोनों तुम्हें पता है भाई एकदम काले कलर में मस्ती लगती हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई वो चीज़, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा यार, ठीक है। मेरे को वो जो ब्लैक कलर है ना वो बहुत ज़्यादा क्रेजी लगता है एकदम, इसको थोड़ा सा एंजेलिक बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा एंजेलिक रखते हैं, येल्लो येल्लो सा थोड़ा सा सस्पेंशन, ये पूरी डाउन है जितनी नीचे हो सकती है एक गाड़ी, व्हाट द हेक
भाई साहब, तो ये रेस, तो ये रेस कार तो ये प्रॉपर भाई, लेकिन ये फिर वो ये ट्रैक वाली हो जाएगी ज्यादातर ना। चलो इसको लेके जाते हैं और इसको हम लोग लगा देंगे अपनी दूसरी। ओ भाई अभी हो गया था काम, दोबारा से लेके जाने पड़े। मैं तो इंस्टेंट ले जाता इसको सही कराने के लिए भाई। इट्स अ GTR ब्रो, ठीक है। चलो यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। तो ये अपने पास चार गाड़ियाँ हैं, BMW M3 को छोड़ के अपने पास चार गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो हम लोग लाइक लिटरली ऐसा रखना चाहते हैं अपने पास। इन्हें कर दी भैया ने साफ। हाँ देखो, तो अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर है। बट अब तुम लोगों को पता चलेगा गाइस, एक नया अपडेट आया है जिसमें हम लोग अब अपने शोरूम को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वामू शोरूम को हम लोग अगर अपग्रेड्स में जाएंगे तो ऑफिस में जाएंगे, अगर अपग्रेड्स में ऑफिस नेट नहीं चल रहा क्या, रुको अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। हम लोग अंदर जाके एक बार कंप्यूटर में चेक करना पड़ेगा आई गेस। तो हम लोग जहाँ तक मुझे याद है यार, हम लोग कंप्यूटर को मतलब वो कर सकते थे अपग्रेड अपने ऑफिस को, नहीं कर सकते क्या हम लोग ऑफिस को अपग्रेड? मैं तो देख रहा था भाई कि हो रहा था ऑफिस अपग्रेड। तो गाइज मैं पिछले बहुत टाइम से यार ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को दिख जाए भाई, मेरे को दिख जाए कि मतलब थोड़ा बहुत ना, कि क्या पता यहाँ पर हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते कैसे बिल्ड कर सकते। मैंने बहुत ट्राई किया, भैया की हेल्प कर देते थोड़ी सी भाई, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने हर जगह चेक कर लिया, मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर आ गया, मैंने कंप्यूटर पर जाके सब देख लिया, बिल्ड का देख लिया सब कुछ, यहाँ से अपग्रेड्स का देख लिया, यहाँ पर से मैं डेकोरेशंस में चले गया, ठीक है। ये मार्केट, ये क्या है, मैट लगाना, लगा दे भाई लगा दे यार, तू मैट ही लगा दे यार, ये नहीं चाहिए था वैसे, डोंट यूज़ ठीक है। ये गाड़ी तुमने देखा मैं मारते आता हूँ, ड्रैग खींचते वाला आता हूँ, और ये बंदे को चाहिए कि भाई मैं आराम से ले गया। हल्के में ले रहे हो क्या तुम यार, मतलब मैं अपनी गाड़ी को क्या प्यार से चलाऊं, मतलब भाई यार शो पीस थोड़ा रखा है भाई, दिखाने के लिए नहीं है गाड़ी, वो है भगाने के लिए। चलो इसको देख लेते हैं, गंदी सी दीवार से तो बढ़िया ही हो। ओ भाई साहब ये बहुत प्यारा लग रहा है भाई, ये बाइक का तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा ओके, बस रख दो छोड़ दूँ, हाँ बढ़िया। मेरे को नहीं पता था हम लोग अपने घर का भी कलर वलर चेंज कर सकते हैं भाई, कुछ तो करूँ मैं। अच्छा भाई फिर, ओ वाह ये बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, ये या ये ओ भाई साहब मेरे को नहीं पता था मैं ये, ओ भाई साहब हेलो भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई, हेलो व्हाट भाई ये बेस्ट लग रहा है भाई, व्हाट द हेक भाई, जेन्युइनली भाई पैसा हो तो क्या भाई, एक ही जैसा तो होगा यार, अलग सा थोड़ी ना बनाऊंगा भाई, अतरंगी थोड़ी ना बनाना है अगर, ये गंदा लग रहा है। ओ भाई साहब कितना ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम, अरे भाई साहब ओ भाई साहब, अब मेरे को एक बार घर जाने का मन कर रहा है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई। अभी हमारे लिए आई गेस वाला अपडेट नहीं आया जिसमें हम लोग अपने ऑफिस को पूरा का पूरा वो कर सकते हैं, अलग से बना सकते हैं, अंदर जाके गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम लोग अपनी मैट ब्लैक निसान GTR लेके जरा जाते हैं एक बार, पहले घर जाके चेक करके आता हूँ मैं, वरना मैं सोच रहा हूँ कि अब देखो अगर हम लोग अभी बिल्ड नहीं कर सकते, आई थिंक वो अपडेट अभी आया नहीं है। ओ एक मिनट, व्हाट मार्केट खुली हुई और मेरे को एक लैम्बोर्गिनी दिख रही है क्या भाई? भाई ऑडी R8 और लैम्बोर्गिनी दिखे तो कूद के ले लो भाई, तुम्हें पता है ये बढ़िया पैसे बना के देगी। और ये देखो ये बंदा भाई, मैं बता रहा हूँ ये बंदा ना 220,000 में बेच देगा इसको, लिख के ले लो चलो मेरे से, ये 220,000 रुपये मान जाए। अच्छा ठीक है, 230,000 रुपये तो लास्ट ये बंदा मान जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें यार, इतने हैंडसम लोग ना दिमाग के ज़्यादातर बहुत तेज होता है, 240,000 में ऐसे ही दे देगा हमें, देखो इतना प्यारा लग रहा है ना ये बंदा, देखे जरा गाड़ी। अरे भाई साहब 35% डैमेज है, कोई बात नहीं कितने में ही सही हो जाएगी, $10-20 या पोर्शे में यार वो रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन फिर है ना, जितनी मेहनत लग जाएगी इससे बढ़िया सही है अपने पास। वो M3 भी आई भी है एक, बट चलो भाई हम तो अपनी GTR लेके चलते हैं। यस सर, कुछ कह रहे थे आप? हाँ भाई मेरे को बहुत सैड लग रहा है कि अभी हमारे लिए वाली अपडेट आई नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है इतना तो क्या कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं, बट हम लोगों को देखो आज मैं मजाक नहीं करूँगा, ये अभी तक का हमारा वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट एपिसोड है, सिर्फ इसकी वजह से कि भाई अच्छा यहाँ पर तो मैंने कुछ अपग्रेड करा ही नहीं, मैं यार रुका क्यों भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हमारा अभी तक का सबसे क्रेजी एपिसोड है, वो क्यों जो हम चला रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है ना। ये जो निसान GTR हम लोग चला रहे हैं, ये लिटरली ब्रो जो एक गाड़ी मेरे को 350 दिन से भी ज़्यादा ठीक है उसमें मिली, वही गाड़ी मेरे को ऐसी दे दी भाई, ऐसी लिटरली मतलब ऐसी नहीं दी, मैंने रेस करी उसके लिए और हम लोग रेस में
भाई हारते हारते जीत गए, बट स्टिल ब्रो हम लोग लिटरली ये गाड़ी भाई हम लोगों को मिल गई, दो GTR हो गई एक साथ हमारे पास, अब दो दो GTR, और ये घर कितना प्यारा लग रहा है भाई। वाओ, ओ भाई साहब ये रूम देखो, ओ भाई साहब ये बेडरूम देखो। ओके नॉट बैड, मैं तो सोने भी चल जाऊंगा। गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, एक काम करते हैं फिर, देखो हमें हमारा कलेक्शन पूरा करना ही था राइट, ये तो फिर बीच में एक ऐसा हो गया था कि भाई ठीक है यार ऑफिस का अपडेट आया है तो ऑफिस अगर नया बना सकते हैं तो बढ़िया है। एक काम करो, रुको जरा एक मिनट, जरा इसको खोल लूँ मैं एक और बार, सो के आते हैं ऐसे देखते हैं कि ऑक्शन खुल जाए, बस ऑक्शन चाहिए हम लोगों को अभी के लिए। वो की चाहिए मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, वैसे मैक्सिमम लोगों को जो लोग यार इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये क्यों चाहिए। वैसे एक काम करते हैं, सुनो पहले अपने पास $5 million दोबारा से जमा करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे पता है कि भाई हम लोगों को जो वो थी अपनी फरारी थी, फरारी हम लोगों को दूसरी बारी में ऑलमोस्ट 3 million के आसपास में मिली थी, ऑलमोस्ट लाइक थोड़ी कम थी बट वही वाली बात हो गई कि 3 million ही मान सकते हो तुम उसको, ठीक है। तो भाई हम लोगों को इस बारी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अरे कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, खुद से जा रही है, और भाई ये लिटरली यार फ्यूल डीमन है भाई, भाई एक बार देखो फ्यूल कैसे पी रही है भाई, आधे से कम हो गया टैंक, आधे से कम, मैं क्या बोलूँ भाई इसके बारे में, लिटरली भाई ये लिटरली फ्यूल डीमन है भाई, मेरे को इसको यहाँ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डैमेज आया था गाड़ी में वो सही करवा लेते हैं। और हम लोगों को ऑक्शंस क्यों चाहिए मैं बता दूं भाई, अभी हम लोगों के पूरे कलेक्शन में सारी गाड़ियाँ, क्योंकि अब निसान GTR भी दो दो हो गई, हमारे पास सारी गाड़ियाँ हैं जितनी गाड़ियाँ हो सकती थी, बस हमारे पास एक गाड़ी नहीं है भाई, और वो एक गाड़ी कौन सी है वो तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, दैट इज द डॉज वाइपर, जो नई वाली दो गाड़ियाँ आई थी फरारी और डॉज वाइपर, अपने पास डॉज वाइपर नहीं है, तो मैं बोलता हूँ भाई इस वाले एपिसोड में कैसे भी डॉज वाइपर लेके आते हैं। अब भाई मैं तो जनरली सच्ची बताऊँ ना, मैं तो चाहता ही था भाई कि अपने पास लाइक कैसे भी पहले अपना पूरा का पूरा कलेक्शन कंप्लीट हो जाए, आई थिंक अगले हफ्ते या फिर इस हफ्ते के एंड तक का, क्या पता जो अपना वो है क्या कहते हैं उसे, वो एक मिनट को कुछ नया है क्या, नहीं ना, हाँ ठीक है अपने पास स्किल पॉइंट 0 है, बट ठीक है। देखो मैं चाहता ही था कि भाई अपना कलेक्शन पूरा हो अपडेट आने से पहले, हमारा शोरूम बनने से पहले, क्योंकि ये गाड़ियों को ना जितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11th जो एक और आई, ये भी है 11, 12th जो अपनी GTR आएगी, और फिर ये तीन भी है 15, ये 15 गाड़ियाँ तो भाई प्रॉपर ऐसे शो में होनी चाहिए, कहने का मतलब है कि ये प्रॉपर ऐसे दिखने वाली होनी चाहिए कि सामने से दिखे कि भाई का कलेक्शन देख रहे हो तुम लोग एकदम क्रेजी नेक्स्ट लेवल है ऐसे वाली। तो इसीलिए मैंने सोचा भाई कि हम लोग आज कैसे भी भाई अपनी डॉज वाइपर जमा करते हैं, ठीक है। आई होप मैंने निसान GTR ना बोला, बट यस आज हम लोग कैसे भी अपनी डॉज वाइपर को जमा करने की ट्राई करते हैं भाई। ये लो, हाँ चलो मैंने गलती नहीं करी, ठीक है, मेरे को वही हो रहा था कि GTR की आदत पड़ जाती ना एक बारी कि भाई हाँ GTR तुम्हें पता है भाई वो राइट साइड से बैठने वाली गाड़ी है, तो वो थोड़ा सा ना ऐसा इधर उधर चले जाता दिमाग, इससे इसका वो कर देते हैं, ये सही कराते हैं, और अब आ ही गए हैं तो कलर भी थोड़ा कराई देते हैं, थोड़ा सही में बिक जाएगी ना, रेड रेड कलर देते हैं इसको तो थोड़ा प्राइस सही मिल जाएगा हमें गाड़ी का। भाई कितनी खतरनाक लग रही है लेकिन रेड में, भाई ब्लड रेड नहीं लग रहा था ये अंदर, अभी बाहर तो थोड़ा सा अलग लग रहा है बट अंदर ये ब्लड रेड नहीं लग रहा था पूरा का पूरा, चलो खूनी लाल भाई। हम लोगों को कैसे भी देखो सबसे पहले $5 million करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, हाँ बीच में ऑक्शन आएंगे तो हम लोग श्योरली भाई ऑक्शन करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग ऑक्शन नहीं करेंगे। तो चलो इसको सबसे पहले कलर कर देते हैं, मतलब कलर कह रहे हैं, इसको हम लोग धो के सेल पे लगा देते हैं, ठीक है, इस गाड़ी को, क्योंकि हम लोगों को पैसे चाहिए कैसे भी भाई, एटलीस्ट 5 million होने चाहिए, वी नो नो भाई। मैंने सुना है कि डॉज वाइपर फरारी से तेज़ है, तो अगर वो फरारी से तेज़ है तो भाई वो फरारी से महंगी भी हो सकती है, इवन दो रियल लाइफ में नहीं होगी, बट वही वाली बात है भाई डॉज वाइपर ऐसी हल्की गाड़ी नहीं है जो तुम ऐसे कहीं से भी लेके आ सकते हो ना, तो इस चीज़ की वजह से तुम्हें पता है हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ग्रेट कार, और यहाँ पर इसका प्राइस आएगा 819 है ना, वैसे मेरे को याद था, मैंने फिर भी एक बारी का कहा चेक कर ही लेते हैं, इसको हम लोग सेल पे लगाते हैं, ठीक है। चलो अभी फटाफट से इसको लेके चलते हैं और सीधे निकलते हैं भाई मार्केट की तरफ को, ठीक है यार, पता नहीं यार मेरे को अब ये मैट ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है यार, तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हें अच्छा लग रहा है भाई, बात करते करते ना मेरे से ये झेल नहीं जा रही भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा यार, ये पता नहीं मैट ब्लैक में अच्छी नहीं लग रही यार, मैंने खुद को बहुत समझाया कि भाई हाँ ये पता फिर भी एक बारी को ग्लॉस में तब भी अच्छी लगी, देखो ग्लॉस में कितनी प्यारी लग रही ब्लैक कलर में ही, बट यार वो उसमें मज़ा नहीं आ रहा था थोड़ा सा, और एक बार और ना कलर थोड़े से ऑप्शंस देखते हैं, कलर ऑप्शंस, ठीक है, जो हम लोग और कर सकते हैं कुछ अलग सा, पता नहीं यार मैट ब्लैक में यार वो फील नहीं आ पा रहा है, सही बताओ ना, मैं बहुत ट्राई करी यार, गोल्डन तो गोल्डन है भाई, लाल कलर की GTR भी बहुत ज़्यादा तगड़ी लगती है भाई, मैंने तो एक केरला की देखी है कहीं की देखी है भाई, वो बहुत ही क्रेजी लगती है, एक GTR है वो उसमें येलो भी है, उसमें ब्लू भी है, थोड़ा ब्लैक भी है, थोड़ा रेड भी है, वो बहुत ही क्रेजी लगती है वो, मतलब ऐसा
प्रॉपर ऐसा स्ट्रीट पे चलते हो ना, डीमन कार जैसी लगती है, मतलब वहाँ मजा आ जाता है, मतलब देख के लगता है कि हाँ अगर इसने थ्रॉटल दबा दिया तो भाई सारी गाड़ियाँ पीछे हैं। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई, इंडिया की लाइक वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स है GTR, जो एक बंदे की थी आई थिंक। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था GTR, मतलब ऐसा एक्सीडेंट एज एन एक्सीडेंट नहीं हुआ था भाई, ये भी अच्छा लग रहा है बट मज़ा नहीं आ रहा है वो यार, सुपर कार वाली फील नहीं आती ना, फिर मज़ा सा नहीं आता यार। इसको देखते हैं कुछ ऐसा कुछ कलर, हाँ ये भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बट और कुछ देखते हैं थोड़ा सा यार, मैं पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा। ओके व्हाट, नहीं यार थोड़ा पिंक साइड पे हो गया, भाई ये तगड़ा लग रहा है मजाक से हट के, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है देख के कि थोड़ा ना कैसे बताऊं मतलब, थोड़ा सा डिमोनिक कलर नहीं लग रहा, अलग सही एकदम। ये देखो भाई ये तगड़ी लग रही है GTR अपनी इसमें, लेकिन फिर भी तुम लोग कलर वलर बताना मेरे को अगर तुम लोगों को बेटर भाई, ये अगर डैमेज होती ना भाई, ऐसे कैसे इतनी लंबी ड्रिफ्ट कैसे मार दे रही है गाड़ी ब्रेक पाड़ते पड़ते। अरे रुक जा भाई एक मिनट, वो क्या है भाई, मेरे को जेन्युइनली लगा ये गाड़ी डॉज वाइपर है, ये सुपरा थी बट मेरे को जेन्युइनली लगा एक बारी के लिए ये गाड़ी डॉज वाइपर है भाई, मैं पागल हो गया। मैंने कहा एक मिनट वो क्या है, क्या वो डॉज वाइपर खड़ी है वहाँ यार। लेकिन कोई भी गाड़ी, मैं बोलने वाला था, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो पैसे कमा के दे सकती है, बट मेरे को वैसी ऑडी R8 दिख गई। लेट्स गो बॉयज, ऑडी R8 है 536 की, मैं इसको बोलूँगा 460 में अगर मान जाए तो ₹1,00,000 कम कर रहा हूँ मैं सीधे, $1,00,000 कम कर रहा हूँ मैं सीधे, ज़्यादा ही कम कर रहा हूँ बट ठीक है, मतलब कम कर रहा हूँ थोड़े, बट आई थिंक अच्छे प्राइस पे मिल गए हम लोगों को इसको। हम लोग एक काम करते हैं रिपेयर पे भेजते हैं और कोई गाड़ी, ये तो BMW कूप है, ये भी ज़्यादा नहीं कमा के देगी, सुपरा भी इतने ज़्यादा कमा के नहीं दे सकती, मतलब ऐसी गाड़ी होनी चाहिए ना जिससे हम लोग ये M3 भी इतने ज़्यादा कमा के नहीं देगी। आई डोंट थिंक सो और कोई गाड़ी है जो यहाँ पे हमें तगड़ा क्रेजी पैसा कमा के दे सकती है, मतलब है ना, तो निकल देंगे $50,000-60,000 के लिए यार, फिर कमाओ यार है ना, $50,000-60,000 के लिए हम लोग वो नहीं कर सकते। अभी हम लोग एक काम करते, देखो हम लोग को ऑडी R8 को सही करके लगाना है सेल पे, क्योंकि हम लोग कैसे भी $5 million करने हैं, बट उसके साथ साथ गाइस हम लोगों के लिए नहीं एक डॉज वाइपर, जैसे कि तुम्हें पता है हमारी कलेक्शन में लास्ट गाड़ी, ठीक है फाइनल गाड़ी जो एकदम होता है ना, ओ 2 बजे ऑक्शन है, नाइस। अरे यार गंदी हो गई क्या भाई, पता नहीं रे ये कलर एक्चुअल में गंदे में और ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, और ये क्या गंदी आवाज़ निकाल ली है गाड़ी भाई, ऐसे ऐसा लगा सीटी बजा रही है पूरे टाइम पे गाड़ी भाई, बढ़िया ऐसे हो रहा है मेरे को तो, बिल्कुल आवाज़ बहुत ही गंदी है भाई, जल्दी बैठो इसमें यार। चलो फटाफट से चलते हैं, एक बार ऑक्शन भी देख लेंगे और अपनी गाड़ी को एकदम चमका के सेल पे भी लगा देंगे। मेरे ख्याल से मैंने ऑफिस, हाँ ऑफिस इज क्लोज ना, मेरे को बिल भी भरने हैं भाई, कुछ ऑक्शन ऑक्शन के बिल भी हैं, वो बिल भी हम लोगों को भरने हैं, तो चलो चलते हैं और एक बार यहाँ से जाते हुए देख लेंगे क्या पता भाई। मेरे को जेन्युइनली एक सेकंड के लगा कि वहाँ पर एक और बार हम लोगों को GTR मिल गई, जो कि हमारी किस्मत नहीं चलेगी भाई, वो एक बार ही चल गई वो भी बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है ना, वो एक बार ही भी चल गई ना वो भी बहुत बड़ी चीज़ है भाई मेरे लिए, तो मैं तो झूठ भी नहीं बोलूँगा भाई। चलो ठीक है फटाफट से अपनी इसको लगाते हैं, डैमेज हुई है क्या एक बार भी, थोड़ी सी भी डैमेज हुई है देखूँ जरा, नहीं बिल्कुल डैमेज नहीं है ना। चलो लेकिन फिर भी हम लोगों को वो तो करना ही पड़ेगा ना यार, वो ऑडी R8 को लेके जाना है, इसको हम लोग लगा देंगे टो ट्रक पे और फटाफट से जाते हैं जल्दी से जाके वो ऑडी R8 को सही करवाते, क्योंकि ये हम लोगों को सही प्राइस में बेच, लाइक बढ़िया है यार ऑडी R8, $9,000,000 में बिक जाती है आराम से, लाइक आराम से नहीं भी तो $7,00,000 में भी बिक गई, बहुत बड़ी बात है ठीक है। हम लोग एक काम करते तब तक यहाँ पर जंक यार्ड से जंक उठा लेते भाई, बढ़िया मैं इनको बेचता नहीं हूँ पता है, मैं उठा के रख लेता हूँ, इसमें दिखता नहीं है ना कि तुम्हारे पास कितना है, मैं इसको बेचता नहीं कभी जाके, इसको ऐसे ई दबा दिया तो ये खरीद लेगा सारा जंक, बट मैं इसको बेचता नहीं, मैं तो सारा जमा करता हूँ पता है कूड़ा जमा करना पसंद है मेरे को, बमतमीजी नहीं करो देखो ठीक है ना, ये गलत चीज़ है, थोड़ा सा इधर उधर निकल गई बात, बट चलो फटाफट से इस गाड़ी के हम लोग पूरा का पूरा करवाते हैं। और अब देखो आ ही गए हैं तो थोड़ा सा गाड़ी को एक बढ़िया सा कलर भी देते हैं, ठीक है मैं कहता हूँ इसको ब्लू कलर करवाते हैं, ठीक है ऑडी R8 इन ब्लू क्रेजी लगेगी, ठीक है चलो जल्दी से इसको भी लगा देते हैं, क्या कूल लग रही है भाई लिटरली ऑडी R8 यार, पता नहीं रे बहुत अंडररेटेड गाड़ी लगती है मेरे को, बहुत सारे लोग लाइक नहीं खरीदना प्रेफर करते ऑडी R8 को, बट ऑडी R8 बहुत क्रेजी गाड़ी है ब्रो, लाइक बहुत ज़्यादा, इवन दो ऑडी ने जस्टिस नहीं करी मेरे हिसाब से तो भाई ऑडी R8 के साथ यार, ऑडी R8 को कुछ तो और भी देना चाहिए था, लाइक ऑडी RS6 RS7 ये बहुत क्रेजी गाड़ी है, मजा आ जाता है ठीक है, बट यार ऑडी R8 की अपनी बात है, अपना ही फैंडम है भाई मेरे हिसाब से तो, पता नहीं मतलब यार क्या पता तुम्हें ना लगे, हो सकता है ये वो,
बट यार कसम से भाई मेरे को तो बहुत पसंद आती है। मैं मतलब एज अ देखो मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम ऐसे मानते हो कि तुम्हें गाड़ियाँ पसंद है ना, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि ये गाड़ी गंदी है वो गाड़ी गंदी है। हर गाड़ी अपने हिसाब से बनी हुई है, मतलब समझ रहे हो, हर गाड़ी का अपना अपना वो होता है। कि जैसे मेरे को अगर BMW पसंद है तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि मर्सिडीज़ को गाली दे रहा हूँ, या फिर मेरे को GTR पसंद है तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं भाई GTR से तेज़ गाड़ी तो कोई है ही नहीं भाई, एवेंटेड और SVJ भी क्या क्रेज़ी गाड़ी है भाई अगर देखेंगे तो। ऐसे में तो वही है, अपने अपने में सभी का भाई, सभी किसी को सुपरा अच्छी लगती है, किसी का ऐसा होता है मन, तो वो सारी चीज़ें। मेरे हिसाब से तो भाई सारी गाड़ियाँ ही बेस्ट होती हैं, बस सब अपने अपने पर्पज़ से बनी हुई है। मतलब ठीक है ये वो, कुछ गाड़ियाँ थोड़ा दूसरी गाड़ी से बेटर होती है एज यू नो। या तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ गाड़ियाँ थोड़ी दूसरी गाड़ियों से बेटर होती है, बट तुम ऐसे नहीं बोल सकते ये गाड़ी गंदी है, मतलब ये कह रहा हूँ मैं तो बस। चलो देखते हैं भाई, आई होप ये लोग अच्छे प्राइस लगाए। 8,19,000 रुपये हैं ये, भैया कितने में लेने के तैयार है? 6,00,000 ओके नॉट बैड। मैं भाई मैं तो गाली बकने को तैयार था भाई, मैंने कहा अरे चल निकल निकल, ऐसे हो ही गया था मेरे से। ओ 6,50,000, अरे ये मैडम से तो मैं बार्गेन करूँगा भाई। 7,40,000 में आपकी ये गाड़ी, ठीक है 7,40,000 दो, और अब भी इसको निकाल के ले जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब लेट्स गो यार। अरे भाई सब चले गए, ऑडी R8 को लेने नहीं आया था क्या, सब लैम्बोर्गिनी निकले आए थे। ओके चलो एक काम करते हैं, सुनो अपनी सुपरा निकालते हैं फटाफट। अरे नहीं नहीं नहीं, सुपरा रियर व्हील ड्राइव है ना, हमें एक ऑल व्हील ड्राइव चाहिए होगी, ठीक है जो AWD हो, अपनी निसान GTR है, मियाटा भी शायद से, मियाटा बोल लो, अपनी RX-7 भी रियर व्हील ड्राइव है, अपनी पोर्शे क्या है, मेरे ख्याल से पोर्शे भी रियर व्हील ड्राइव है, बट ये कभी फंसी नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसी को लेके चलते हैं अभी के लिए, ठीक है चलो जल्दी से आके चेक करके आते हैं। 2 बजे का ऑक्शन है, सोचो अगर हम इसमें गए और लिटरली वहाँ पर एक डॉज वाइपर खड़ी है, सोचो क्या हो जाएगा भाई, मैं तो अपने बाल खींच दूंगा भाई अगर इसको हम गए। ये सिट्रॉन है, ये अपनी BMW हो गई, और सिट्रॉन ये तो वो थी गॉल्फ GT थी ना, ए बक्की रीगर है, नहीं यार अभी के लिए तो नहीं है यार, सैडली अभी के लिए तो कोई भी नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग यही करके पोर्शे को यहीं पे लगा देता हूँ। अब हम लोगों को कैसे भी भाई, रात के 2 बज रहे हैं, ये मेरा कुत्ता भौंक क्यों रहा है जोर से, कोई आ तो नहीं है ना घर में, मतलब बाहर तो कोई खड़ा है ऐसे करके मास्क पहन के, आई कैन सी यू फ्रॉम बिहाइंड। मैं तो भाई पैंट में सुस्त कर दूंगा। 8,50,000 में तेरे को ये गाड़ी मैं दे दूंगा भाई, बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत तगड़ी गाड़ी है, बहुत तेज दौड़ती है, V10S में, देख रहे हो भाई ऐसे सेल्समैन बनो। एक बारी में पूरी बात समझा दी, भाई ने बोला ठीक है मालिक, ऐसे बस बात खत्म हुई, 2 सेकंड में बात गड्ढी कर दी भाई ने तुम्हारे, ऐसे ऐसे सेल्समैन बनो ना, ये होती है बात। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रेड कलर मेरे ऊपर ग्रो कर रहा है भाई धीरे धीरे, देखो ये भी रेड है, ये भी होने को रेड है, बट ये रेड अलग ही ब्लड रेड जैसे नहीं लग रहा, ऐसा खूनी रेड बिल्कुल एकदम भाई साहब, थोड़ा डरावना भी लग रहा है बट क्रेजी ब्रो। हम लोगों के पास वैसे ऑलरेडी कायदे देखा जाए तो 5 मिलियन हो चुके हैं, तो हम लोगों को एक तरह से बस और सिर्फ सिर्फ अब हमें सुबह रात वही करनी है, हम लोगों को बस ऑक्शन पर ऑक्शन देखने, कैसे भी डॉज वाइपर लानी है जो कि हमारी पूरे कलेक्शन में लास्ट गाड़ी बचती है जो हमें चाहिए भाई। तो भाई साहब 16,00,000 रुपये कमाए हमने आज भाई साहब, 2 गाड़ी बेची है सिर्फ, 2 गाड़ी भाई ने, तुम देख रहे हो ऑलमोस्ट हुए, बट अबे ऑक्शन ओपन टुडे 2 PM सेम ऑक्शन आ गया क्या, प्लीज़ यार सेम गाड़ी मत बोलना, ठीक है सेम ऑक्शन है बट सेम गाड़ी मत बोलना। चल मेरी पोर्शे लेट्स डू दिस ब्रो, चलो गाइस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके भाई मेरे को दिख गए भाई, अबार्थ है तो एक टाइम पे एक ही अच्छी गाड़ी आती है मेरे हिसाब से पूरे ऑक्शन में, देखो दूसरी कोई गाड़ी नहीं भाई, लिटरली डॉज चार्जर आ रही है लेकिन डॉज वाइपर नहीं आ रही है यार, लिटरली डॉज चार्जर आ रही है भाई, मजाक से हट के क्या बात है यार, छी यार ये पोर्शे मैं ही धो देता हूँ क्योंकि इसको अंदर तो हम लगा नहीं पाएंगे ना, और ये बहुत गंदी हो जाएगी आज, क्योंकि तुम मान के चलो देखो मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूँ, 340 डे हो रहे हैं आज, मैं रात भर बैठने वाला हूँ यार, रात भर बैठने वाला हूँ, और उसके बाद भी हम लोगों को नहीं मिलेगा, तुम समझ रहे हो भाई, मैं बता सकता हूँ तुम्हें ये डॉज वाइपर का खेल बहुत लंबा चलेगा, तुम बस देखते जाओ। इसको तो मैं खैर अभी के लिए स्टोर बंद कर देता हूँ अपना जल्दी से, और चलो जाके वही करते हैं गाइस,
सुबह की रात, रात की सुबह। हाँ, अगर बीच में एक बार मार्केट प्लेस खुलेगी तो मैं एक गाड़ी कोई ना कोई खरीद के बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास 4.9 मिलियन है, 5 मिलियन नहीं है। एटलीस्ट 5 मिलियन रख के चलने जेब में, अगर कुछ भी आनाकानी होती, थोड़ा भी आगे पीछे होता तो हम लोग पे कर सके, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 मिलियन की हमें लास्ट वाइज मिली थी। और सब लोग बोल रहे हैं कि भाई डॉज वाइपर इज फास्टर देन फरारी, तो हो सकता है देर आर सम चांसेस कि भाई ऐसा हो कि क्या कहते हो उसे फरारी से ज़्यादा महंगी हो। फिर अगर वो 5 मिलियन चले गई, मेरे हिसाब से 5 मिलियन नहीं जाएगी, 3.5 मिलियन की अगर अभी वाली है महंगी तो भाई ज़्यादा महंगी नहीं जाएगी। और लेट्स गो बॉयज, अपने पैसे दिख गए मेरे को एक ऑडी आर एट जहाँ पर दूर से दिखे पैसा समझो तुम्हारा, ठीक है। 4.5 लाख में बोल रही है, मैं इससे बोलूँगा बहन देख मैं पागल तो हूँ नहीं, 360,000 रुपये में चाबी मेरे हत्या कर दे वरना देख लेना। बस बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा डराना भी पड़ता है यार इन लोगों को, ये वरना नहीं देते यार। चलो फटाफट से चलते हैं, ये हो गया अपना काम सारा का सारा। हम लोगों ने एक ऑडी R8 ले लिया, ऑफिस जाते हैं फटाफट से, या ये ऑडी R8 को बेचते हैं भाई जल्दी से, इसको सही करा के। बहुत ज़्यादा टूटी फूटी गाड़ी है भाई, मजाक नहीं करूँगा, बम्पर तो पूरा गया हुआ है इस गाड़ी का। बट हम लोग इसको फटाफट से सही कराते हैं, इसको बेचते हैं, हम लोग के पास 5 मिलियन प्लस हो जाएगा। देखो अपने को 5 लाख चाहिए, और तुम्हें पता है मुझे भी पता है कि ऑडी R8 5 लाख से तो ज़्यादा की ही बेच दूंगा मैं आराम से कहीं पर भी, ठीक है। 6-7 लाख तो लाइक कस्टमर देने को तैयार होता है भाई इस गाड़ी का, इतनी तगड़ी गाड़ी है। चलो अपना काम, कहाँ से बच रही है धुन, ये रहा कुछ तो आया था। बस बढ़िया, देख रहे हो भाई जब तक भाई रिपेयर भी नहीं कर पाया, मैंने गाड़ी धो दी नीचे से खड़े खड़े। ओ भाई साहब बहुत डैमेज दे तो। चलो आराम से सही करो भैया, आराम से सही करो, पूरी बढ़िया बना देना। चलो गाइस फटाफट से ये ऑडी R8 में लेके आ गए, और लाल कलर में चमकती हुई ऑडी R8, क्या आप लेना चाहेंगे दोस्तों? लाल कलर में चमकती हुई ऑडी R8, लाल 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 ला, सु, 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 खींची। चलो ठीक है, हम लोगों को ये ऑडी R8 को लगाना है फटाफट से। देयर वी गो ऑडी R8, भाई क्या लगती है यार लाल कलर में चमकती हुई, कसम से मजा आ जाता है। 9-10, ठीक है 9-10, देयर वी गो। अपना इसको पुट इट ऑन सेल और जल्दी से जाके खोल देते हैं। आई थिंक ये गाड़ी बेचने के बाद अपने पास 5 मिलियन हो जाएंगे, फिर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रात भर बैठ के ऑक्शन हाउस को, हेलो ऑक्शन हाउस, क्या भैया भैया डॉज वाइपर आई? नहीं आई, कोई बात नहीं कल आ जाऊंगा। कल आई भैया? भैया डॉज वाइपर आई? नहीं आई, कोई नहीं कल आ जाऊंगा। भैया भैया डॉज वाइपर आई? नहीं आई, कोई नहीं कल आ जाऊंगा। ले 5 years लेटर, भैया डॉज वाइपर आई? नहीं आई, कोई नहीं कल आ जाऊंगा। लिटरली यही हो रहा है अभी एट दिस मोमेंट भाई। GTR लेते लेते तुम्हें पता तो है यार भाई की हालत क्या टाइट हो गई थी। बट मैंने एक चीज़ कमेंट पढ़ी थी कि जो बैट, मेरे को एक बारी को थोड़ा सा दिल मेरा रुक गया था, बट ठीक है, वो लैम्बोर्गिनी है अपनी, नॉट अ बैड कार बट स्टिल। मैंने सुना है ठीक है कि जो रेसेस होती है ना, जो रेसेस होती है उसमें कार, बैट इस कार खाली सेम कार से रेस करने से नहीं आता, नॉर्मली भी आ जाता है कभी कभी, कभी कभी बहुत रेयर होता है बट कभी कभी। तो अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ गाइस, जिस दिन भी मैं ऑक्शन चेक करने आऊँगा ना, मैं उस दिन एक बार यहाँ पर भी आऊँगा, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा हम लोगों को यहाँ पर एक डॉज वाइपर दिखी थी, ठीक है। एक बार टेस्ट करूँ इस चीज़ को कि तुम लोग झूठ तो नहीं बोले थे कहीं मेरे से, ठीक है। यहाँ पर इसके पास BMW की गंदी सी हैचबैक है भाई, लिटरली मेरे को पसंद नहीं वाली हैचबैक, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करते रहता हूँ एक बार, ठीक है। लेट्स सी क्या ये हम लोगों को बैटिस कार देगी। देखो $400, $300, $350, $370, $360, $400, $400, $400, यार इतनी देर में तो आ जाता है यार बैटिस कार, झूठ नहीं बोलूँगा सही बताऊँ तो। इतनी देर में क्या तीसरी चौथी बारी में आ जाता है, दूसरी बारी में भी आ जाता है कभी कभी, कभी कभी पहले से खड़ा होता है बैटिस कार। मेरे ख्याल से नहीं होता गाइस, अलग अलग गाड़ियों में नहीं हो रहा। देखो मैं कितना रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं बार बार काट के रिफ्रेश, नहीं नहीं तुम लोग खाली बेवकूफ़ बनाते हो ना मुझे कभी कभी, मैं बता रहा हूँ तुम लोग मेरे जज्बातों के साथ खेला मत करो भाई, तुम बहुत मस्ती ले लेते हो मेरी। तो मेरे ख्याल से बैटिस कार तो नहीं होगा भाई फिर। उस दिन हम लोगों को पहली बार अपनी लाइफ में भाई डॉज वाइपर भी देखने को मिलती थी, क्या लग रही थी भाई तुम्हें याद ना, मज़ा आ गया था कसम से देख के भाई। मतलब वो होता ना कि वाह तुझे देख लिया, बस यही सुकून है मेरा। ख्याल तुम्हारा, ओ भाई तू हमारे कस्टमर में पानी चल, तू कस्टमर में पानी, अबे तू गाड़ी के बोनट के अंदर घुसा है। सर कैसे हैं आप? अरे मैडम भी आ गई, हेलो मैडम कैसी,
अरे 7,50,000 रुपये दे रहे हो आप, 8,50,000 रुपये देते हो तो बात करो और गाड़ी ले जाओ उठा के। मैं तो कह रहा गाड़ी ले जाओ यार, आप यार आप ले जाओ गाड़ी बस। मैडम सॉरी, लेकिन अगर आप आज शाम को फ्री हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी निसान GTR या फिर उन सब में घुमा सकता हूँ। देखो मेरे पास बढ़िया वाली रेड। चलो गाइस ऑफिस बंद कर देते हैं, अपने पास 5.4 मिलियन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अपना काम तो हो गया पैसों का। तो चलो गाइस ठीक है, किसी ने कुछ नहीं देखा और किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक है तुम में से किसी ने कुछ नहीं देखा, ये जो अभी हुआ है ये नहीं हुआ है। अरे स्पार्कल क्यों कर रही है मेरी गाड़ी भाई, इसमें कोई दिक्कत हो गई मेरे को लग रहा है। अरे भाई भाई मेरे बोनट खोल के चेक कर रूँ क्या अभी? अच्छा ये देख तो लिया मैंने, लैम्बोर्गिनी आई थी। माय बैड गाइस, अब बस यही करना है मैंने कायदे से, बस जाना है डे रिफ्रेश करना है, कैसे भी ऑक्शन हो उसके बाद मुझे ऑक्शन में आना है, चेक करना है कि डॉज वाइपर आई कि नहीं आई, जो कि हमारा कम से कम 300 दिन का चलेगा, जिसका मतलब है कि मैं कम से कम यहाँ पे 4 से 5 घंटे बैठे रहूँगा, और जब तक डॉज वाइपर नहीं आती तब तक मैं रिफ्रेश करते रहूँगा बस। मजाक से हट के यही होने वाला है ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ यही होने वाला है, मतलब मजाक से हट के भी छोड़ो भाई, कितनी बार मजाक से हट के बोलूँ मैं, है मजाक मेरी ज़िंदगी मजाक हो गई है एट दिस मोमेंट। अब कैसे हट जाऊँ मैं मजाक से तुम बताओ ना, जिसकी ज़िंदगी ही मजाक हो गई हो वो आदमी कैसे हट जाए मजाक से? हाँ ए फिल्म टू आर्मी कैसे बतामो? अरे बिल भी भरने क्या कुछ भाई, ओए तुम भाई तुम्हारे ना ऐसी की तैसी भाई, तुम लोग मेरा ओ भाई साहब $62,000 कार के। अब ये मत बोलना वो गाड़ी अंदर खड़ी करके $62,000 ले रहे हैं, वैसे एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो गाड़ी अंदर खड़ी करके 62,000 होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। 62,000 जो हम लोगों ने रुपये पे करे वो इस पे करे जो हमने गाड़ियाँ बेची हैं, वो कार्ड्स के ऊपर जो हमारा टैक्स लेवी होता है वो उसके ऊपर होता है, जो ऊपर ऑफिस लिखा आता है ना वो अलग होता है। अब वो ऑफिस तो तुम लोग थोड़ी देर खोलोगे तो वो उतना ही आता है, फिर हज़ार तो आना ही है, मतलब वो बेसिकली वो रेंट भर रहे हो तुम, ऐसे वाली चीज़ है उधर का ठीक है। 4 बजे का ऑक्शन है, लेट्स गो गाइस, क्या पता तुम लोग लक्की हो और तुम लोगों ने अगर लाइक वाला बटन दबाया होगा और 100 के लाइक अभी तक का कंप्लीट करा दिए होंगे तो हो सकता है कि मैं अपनी ये पोर्शे लेके जाऊँ 992 अपनी क्या कहते उसे 992 GT3 RS लेके जाऊँ वहाँ पर, और मुझे पता चले डैम ब्रो यहाँ पर तो जो गाड़ी हम लोग ढूंढ रहे हैं वही आ रही है, लेट्स गो। ये देखो डॉज वाइपर, भाई ये सच्ची में क्या हो रहा है हमारे साथ आज भाई, हम लोग भाई 346 डे चल रहा है ठीक है, आज हमारा 500 हार्ट का 346 डे, और हम लोगों को एक और निसान GTR जो हम लोगों को लिटरली 350 दिन में मिली, मतलब 350 तो अभी टोटल दिन ही नहीं हुए, तो मतलब तुम एवरेज कर लो तेरे 300 दिन बोल लो भाई, जो हम लोगों को 300 दिन में मिली वो गाड़ी आज हम लोगों को एक बार मिल चुकी है ऑलरेडी, वो खड़ी है हमारे शोरूम पे, एक हम लोगों को पिछले एपिसोड में मिली और अब एक और आ चुकी है ऑक्शन में। प्लीज टिकट दे दे भाई मालिक मेरे। भाई मैं सुनो, अब अपन जब तक इधर है अपन इधर ही है, गाड़ी अब जाओ वहाँ पे आराम से, अब जब तक ये ऑक्शन शुरू नहीं हो जाता है मैं यहीं बैठा हूँ, समझ गए ना, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये ऑक्शन मिस नहीं होना चाहिए, ये 3rd नंबर की गाड़ी मेरी है और किसी की नहीं, चाहे तुम मेरे से $1,000,000 लो, मुझसे $2,000,000 लो, तुम मेरे से $3,000,000 लो, कितने भी लो, लेकिन ये 3rd नंबर की गाड़ी तुम्हारे भाई की है, बस बात खत्म। तो गाइस फाइनली ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है, बट ये किया कार्निवल पे अपनी नज़र नहीं है, अपनी नज़र ये 3rd नंबर की गाड़ी पे है। भाई हम लोगों को लिटरली आज 2 GTR मिल जाएंगे अगर ये भी हम लोग ले लेते हैं, एक ऑलरेडी मिल चुकी थी, दूसरी हम लोगों ने आज एक रेस में जीत ली और तीसरी हमें दोबारा से ऑक्शन में मिल गई, क्या चांसेस है भाई इस बात के, क्या चांसेस है। और तुम्हें मैं डेज दिखाते हुए चल रहा हूँ, 346 डे चल रहा है ये भाई, डे भी ऐसा नहीं है कि मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने को चल रहा हूँ, डे भी ऐसा नहीं है कि ऐसा मैंने बिल्कुल एकदम स्किप हो गए डेज और एकदम से दिख रहा है कि अरे भाई को GTR मिल गई, नहीं भाई लिटरली 2-3 दिन के ऑक्शन में आए हम लोग और सीधे GTR हाथ में,
भाई मैं बता रहा हूँ तुम लोग। और मेरे को एक चीज और पता चली, ये जो ये है ना ऑक्शन है, ऑक्शन में जैसे देखा शुरुआत में कितने कम लोग थे, धीरे धीरे करके जुड़ते हैं लोग, धीरे धीरे करके एक साथ नहीं आते सारे के सारे। अब देखो इनके ऑक्शन तेज कैसे बढ़ाता हूँ, तुम देखो भाई अपनी GTR लेने के लिए इनके ऑक्शन कैसे भगाता हूँ ये देखो। अरे कौन है भाई, अबे गरीब लोग हो क्या भाई, है गरीब लोग हो क्या, 400 बढ़ाऊंगा। अरे गरीब लोग है कुछ नहीं खरीद, अरे कोई नहीं खरीद सकता है, 400 बढ़ा दिए मैंने, कोई नहीं खरीद सकता भाई, खरीद लो कोई, अबे खरीद लो कोई, नहीं चाहिए नहीं चाहिए थी मुझे वो गाड़ी भाई, चलो कोई नहीं कोई बात नहीं, GTR के लिए इतना तो चलता है भाई, गंदी सी गाड़ी ले ली मैंने बट GTR के लिए इतना चलता है। सीधा हाँ जी, सीधा हाँ जी, कौन है जी, हाँ जी अभी वो सीधा वाला मिल जाएंगे, अब थोड़ा आराम से करते हैं ठीक है, अभी थोड़ा सा प्यार से चलते हैं। अबे ओए हाथ नीचे कर, हाथ नीचे, मैं भाई भाई पता है ऐसे ऑक्शनों में ना बंदूक लेके जानी चाहिए, जिसने हाथ उठाया उसकी तरफ को ऐसे चुपचाप बंदूक कर दी ऐसे करके, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। अरे भाई टेस्ला किसको चाहिए भाई, एक मिनट कौन सी टेस्ला है, लेकिन वही है ना M3 तो है टेस्ला, मतलब टेस्ला M3 नहीं है। अब ये होगी मैं ज़्यादा मैं मतलब आई एम नॉट दैट इन टू टेस्ला, सही बताऊँ तो मेरे को इतना ज़्यादा मतलब मैं देखता ही नहीं, जैसे ऐसा नहीं होता कि तुम हर एक गाड़ी को देखते हो तुम्हें गाड़ियाँ पसंद होती है, तो थोड़ा सा टेस्ला का मैंने कोई भी मॉडल नहीं देखा, लाइक जनरली बताऊँगा, लाइक मेरे को बस इतना पता है एक मॉडल X नाम का है, जस्ट बिकॉज उसके पंख ऐसे खुलते हैं, पंख मतलब डोर्स, लेट्स गो सी। ये गाड़ी गलती से ले ली थी मैंने बट ये रुको जरा, ये नहीं ला 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 ये ही ये वो 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 मेरी अपनी तीसरी GTR। भाई कोई कितना लकी हो सकता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे लग रहा है तुम लोगों ने आज जब मैंने बोला कि भाई लक चलाओ भाई का लाइक मारो, मुझे क्यों फील आ रही है कि तुम लोगों ने आज पहली बार भाई के बोलते, भाई देखा मैं तुम लोगों को बोलता हूँ यार, तुम लोगों को लगता होगा ना कि फ्लीट भाई तो ऐसी कुछ भी बोलते हैं भाई ये वो, नहीं भाई मैं जेन्युइनली बताता हूँ तुम लोगों को भाई कि मुझे लगता है पता है कि वो ना लक चलता है यार, जब तुम लोग ऐसा लाइक वाइक मारते हो ना तो पता नहीं कैसे किस्मत चलने लग जाती है भाई, तुम्हें पता है क्या होने वाला है भाई, मुझे तो तुम कितने ही GTR दे दो भाई मैं हमेशा वैसे ही प्यार से रखूँगा इसको जैसे मैं अपनी पहली GTR को रखूँगा भाई, ठीक है ना, मुझे तुम कितने ही GTR दे दो भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये टायर ओ ये अच्छा लग रहा है इसमें, ठीक है। अब मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है, अपने पास 3 GTR है राइट, अपने पास 3 GTR है, अबे यार चलो कोई नहीं फिर दिक्कत कोई नहीं है गाइस, ऐसा नहीं कि दिक्कत हो रही है मुझे कोई, ठीक है इसी को लेके चलते हैं आज जाके सोते हैं कंटेनर पे, ठीक है अपनी तीसरी GTR को लेके। भाई एक तो ये इतना लंबा कैसे ड्रिफ्ट मारती है मुझे नहीं पता भाई, आई थिंक GTR लाइक बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ती है, पता नहीं चलता थोड़ा स्पीड का इसी की वजह से, चलो फटाफट से चलते हैं आज हम लोग कंटेनर में सोएंगे गाइस, थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा कर दिया हमने इसलिए, ठीक है 1.5 मिलियन से ऊपर हम लोग डाल चुके हैं ऑलरेडी अपनी GTR में, तो हाँ सस्ता तो नहीं है भाई, खर्चा बहुत हो चुका है भाई का, बट भाई दिल से मैं झूठ नहीं बोलूँगा जो अंदर से ही एक चीख आती है ना भाई कि अपने पास 3 GTR है गेम के अंदर, रियल लाइफ में तो एक भी मिल गया ना भाई, मजा आ जाएगा कसम से, चलो फटाफट से चलते हैं ठीक है, एक बार इसमें देखते ही चलते, सोचा अगर 4th GTR मिल गई तो, और जस्ट सेइंग ब्रो ऑडी R8 है, मेरे को दिल से लगा भाई, मेरे को नहीं पता क्यों लेकिन मेरे को सच्ची में लगा कि कहीं 4th R8 मिल गई, पता नहीं क्यों मेरे को R8 बोल रहा हूँ, 4th GTR मिल गई, मेरे को पता नहीं क्यों कहाँ से फील आई है बोलने की, बट मैंने ऐसी बोल दिया, अगर मिल जाती ना गलती से ही भाई तो पागल ही हो जाता मैं तो भाई। अब देखो अरे यार इसको यहाँ कहाँ लेके आ रहा हूँ इसका, हाँ ये लोग रुकते नहीं है भाई गाड़ी वाड़ी, ठीक है ये ट्रक वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी रोकना इनका बिल्कुल वो नहीं है, काम नहीं है इनका गाड़ी रोकना, चलो ठीक है इसमें मैं स्मूथनेस बढ़ाता हूँ और इसको मैं दूंगा पता क्या, मेरे पास एक आइडिया है देखो ठीक है, मैं इसको वो वाला ग्रीन दूंगा जो हम लोगों ने उधर वाली गाड़ी को दिया था, अब क्यों अभी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ क्यों, ठीक है हाँ ये इधर ऐसा ही कुछ ग्रीन था ना वो, हाँ ऐसा कुछ ग्रीन था वो, यस सर। भाई ये इतनी कैडी लग रही है ना मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ भाई, ये देख रहो बिक्की डॉन कैडी चीज भाई, ये बहुत ये यार ये वाला ग्रीन कलर जो है ना ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है गाड़ियों में, आई डोंट नो भाई मेरे को फीलिंग आ जाती है यार इस वाले ग्रीन कलर में, कुछ ज्यादा ही क्रेजी
अभी मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है, तुम में से अगर किसी ने भी वो गैस कर लिया होगा तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम में से किसी ने भी वो गैस कर लिया है ना तो मैं तुम लोगों को मान जाऊंगा भाई, ठीक है। हाँ अपने शोरूम के आगे से ही लगाते हैं भाई मस्त करके, ठीक है। देयर वी गो, ठीक है। जिसने भी वो गैस कर लिया कमेंट सेक्शन में बता देना मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने गाड़ी को ग्रीन क्यों कराया है, मैं ये वाली क्यों लेके जा रहा हूँ। अपना दिमाग चलाओ, अपनी क्रिएटिविटी चलाओ कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना कि मैं इससे इतना प्यारा रेड कलर होने के बाद भी इसको मैं हटा क्यों रहा हूँ यहाँ से। तुम लोग बस अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ठीक है। ओह ये गाड़ी मैंने वाइट कलर क्यों कराई होगी गाइस, क्यों कराई होगी मैंने ये वाइट कलर। ओके वो वाली ग्रीन कलर है, ये वाली वाइट कलर हो गई। ओहो क्यों लेकिन ये तो फ्लीट भाई ही बता सकते हैं शायद से कि उन्होंने अपनी गाड़ी को वाइट कलर क्यों दिया है। भाई मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था तीन तीन GTR होंगी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ भैया आ भी गए देखो, साफ नहीं लग रही यार, बस ठीक है ये हो गया। अभी ग्रीन वाली को भी थोड़ा सा पास करते हैं। अबे ये स्पार्कल क्यों आ रहे हैं यार। तो गाइस ये रही हमारी तीन GTR, लेट्स गो भाई, अपनी तीन निसान GTR। मैंने लेजिट नहीं सोचा था कि हम लोग भाई पहली कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, एंड बिलीव मी ब्रो आज हम लोगों के हाथ में तीन GTR है मजाक से हट के। अपनी सबसे पहली भाई सैफ्रॉन कलर या फिर गोल्डन कलर है वैसे तो, बट ये सैफ्रॉन कलर भी है, मतलब केसरिया कलर अगर हिंदी में बोले तो। ये दिखाता है कि हम लोग कितने करेजियस है, कितने पावरफुल लोग हैं। फिर अपना वाइट कलर है, काश मैं इसमें अशोका चक्र भी बना पाता, बट ये अपना वाइट कलर है जो कि हमें बताता है कि हम लोग कितने पीसफुल लोग हैं। और लास्ट हमारा ग्रीन कलर जो कि हम लोग को बताता है कि हमारी मतलब समझो ग्रोथ को, ग्रोथ दिखाता है कि हाँ हम लोग कितने ग्रोथ में, मतलब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो ये देख रहे हो भाई निसान GTR से हम लोगों ने बना दिया भाई इंडिया का प्लेन। भाई मैंने लिटरली तीन GTR दिख रही ना सामने से, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है भाई। अपने पास लिटरली एक GTR थी आज, मैंने सोचा था तुम लोगों को आज वहाँ पे रेस करके दिखाएंगे कितनी तेज भागती है वो दिखाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे भाई। वहाँ मजाक मजाक में GTR आ गई कार इस बैट में, हम लोग अपनी सेकेंड GTR ये वाली जीत गए। फिर हम लोग कहाँ डॉज वाइपर ढूंढ रहे थे और हम लोगों को हमारी तीसरी GTR भी दिख गई जो कि ये ग्रीन कलर की हमने बना दी है भाई। क्या लग रही है भाई ये तीनों GTR, भाई गॉड मेरे जिगर के टुकड़े है भाई ये तीनों GTR भाई मैं कैसे बताऊं, मैं जेन्युइनली भाई मेरे को सच्ची में यकीन नहीं हो रहा भाई अपने पास तीन हो गई भाई। तुम समझ रहे हो ना पिछला एपिसोड अगर किसी ने भी देखा था तो उसको पता होगा हमने एक के लिए कितनी भसड़ मचाई थी, और अभी अपने पास तीन तीन है भाई। बस एक गाड़ी और, बस एक डॉज वाइपर और आ जाए भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजा आ जाएगा भाई। अगर एक डॉज वाइपर और आ जाए ना अपना पूरा कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा प्यार दिखाना कैसे भी। अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, हो पाएगा, जो भी होगा ना, पर अगले एपिसोड में तुम्हारा भाई डॉज वाइपर लेके आ रहा है, मतलब लेके आ रहा है। हम लोग अपना कलेक्शन कंप्लीट करेंगे, मतलब हम लोग अपना कलेक्शन कंप्लीट करेंगे।